हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 3 एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा आपको, इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। फर्स्ट पार्ट है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मेंशन है आपको, उसके आंसर बताने। फर्स्ट पार्ट है, What is the name of horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट को जो आप कार्टिजन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए जो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाते हैं, उसका नाम क्या है? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। तो यही नाम हो गया इसके। तो आंसर में क्या आएगा? फर्स्ट में एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन and y-axis. Second part है, what is the name of each part of the plane formed by these two line? ये जो दो line है, इन्होंने जो plane बनाया है, एक plane ये है, एक plane ये, एक plane ये, एक plane है, इसको क्या कहते हैं? Quadrant. ये है first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. This is called the quadrant. Third part, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है? यहाँ पे। और इसका नाम क्या है? ऑरिजिन। सो कहेंगे द ऑरिजिन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन टू है, सी फिगर 3.14। ये है फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। और आपको ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर बताने हैं। फर्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी कहाँ पे है? बी यहाँ पे है। अब देखिए एक्स क्या है यहाँ पे? -5। और y यहाँ पे क्या है? 2। ये क्या हो गया? -5, 2। द कोऑर्डिनेट ऑफ c यहाँ पे है। अब देखिए इस केस में x क्या है? 5। और y क्या है? -5। तो 5, -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। ठीक है, ये है माइनस, ये हुआ -3 और ये हुआ -5। इसका नाम क्या है? e। फोर्थ पार्ट है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो 2, -4, तो 2 इधर लिया, -4 ये, इसका नाम क्या है? जी। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ है? ये पहले से कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है? एक्स 6 है और वाई 2 है। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या है यहाँ पे? 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। पॉइंट एच पहले देखते हैं क्या है। एक्स -5 है और y -3 है। हमें क्या बताना है इसमें? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट, मीन्स ये क्या है? ऑर्डिनेट -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट l। l क्या बताना? कोऑर्डिनेट। यहाँ पे x 0 है और y 5 है, ये क्या हो जाएगा? 0, 5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m। m की कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x क्या है? -3 और y क्या है? 0। तो ये क्या हो गया? -3, 0। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। अब आते एक्सरसाइज 3.3 पे। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टिजियन प्लेन। कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रेंट पे या किस एक्सिस पे आएंगे और इसको वेरीफाई करना है आपको कार्टिजियन प्लेन पे। ठीक है, मैंने ये ग्राफ पेपर पे पॉइंट ड्रॉ कर दिए हैं। इस तरफ एक्स पॉजिटिव है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ वाई पॉजिटिव, इस तरफ वाई नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट क्या है? -2, 4, मतलब एक्स -2 है, वाई 4 है। एक्स -2, वाई 4, तो ये हो गया -2, 4। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सेकेंड है 3, -1, एक्स 3 है, वाई -1 है। यहाँ पे है 3, -1, ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। -1, 0, -1 मतलब कि एक्स -1 है और वाई 0 है। तो -1, 0, ये किस एक्सिस पे? ये एक्सिस पे है, क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, 1, 2, एक्स 1 है, वाई 2 है। ये है 1, 2 पॉइंट। किस क्वाड्रेंट में है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। -3, -5, एक्स -3 है और वाई -5 है।
मतलब ये पॉइंट है माइनस थ्री माइनस फाइव, तो किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए माइनस टू फोर, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट। थ्री माइनस वन, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस वन जीरो, ये किस पे है? एक्स एक्सिस पे। वन टू, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव किस पे आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। माइनस थ्री माइनस फाइव, दोनों ही नेगेटिव हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस थ्री माइनस फाइव, फोर्थ, माइनस थ्री माइनस फाइव सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा वो, थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए इनके क्वाड्रेंट को बताने के लिए हमें ये प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें याद है कि इसमें एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों ही नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। हमें वेरीफाई करना था इसलिए हमने वेरीफाई भी कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। ये टेबल गिवन है आपको, इससे प्लॉट करना है। चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, आपको सूटेबल यूनिट चूज़ करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सारा इंटीजर में ही है, तो मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस है, तो मैं मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, ठीक है। मतलब ये जो 1 यूनिट है, ये 1, ये सारे सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। मैंने 1-1 का फ्रैक्शन, 1-1 का मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिया है। फर्स्ट पॉइंट है माइनस टू एट, ठीक है, एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू वाई एट, तो ये पॉइंट हो गया आपका माइनस टू एट। माइनस वन सेवन, एक्स माइनस वन है वाई सेवन, वाई सेवन है, तो ये माइनस वन है, तो ये हो गया आपका माइनस वन सेवन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस वन सेवन। ज़ीरो माइनस वन पॉइंट टू फाइव, एक्स ज़ीरो है और वाई क्या है? माइनस वन पॉइंट टू फाइव, ये हो गया माइनस वन। यहाँ पे कहीं पे होगा ये ज़ीरो माइनस वन पॉइंट टू फाइव। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स वन है वाई थ्री है, एक्स वन वाई थ्री, ये पॉइंट है वन थ्री। एक्स थ्री है वाई माइनस वन है, एक्स थ्री वाई माइनस वन, ये पॉइंट है थ्री माइनस वन। मैंने एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। बहुत लोग पूछेंगे मुझे एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व नहीं कराया, वैसे तो वो बहुत थियोरेटिकल था, दूसरा कभी एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।